बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान को यूं ही बॉक्स ऑफिस का किंग नहीं कहा जाता है। आमिर खान बॉलीवुड के ऐसे स्टार हैं जिन पर लगाया हुआ दांव कभी खाली नहीं जाता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल है दंगल। यही वजह है कि बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर आमिर की डिमांड पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वहीं अब सुनने में आया है कि आमिर ने ठग ऑफ हिंदुस्तान के लिए आदित्य चोपड़ा से मुंह मांगी कीमत मांगी है। बताया जा रहा है कि आमिर ने इस फिल्म का 70% प्रॉफिट मांगा है, जिसके लिए आदि मान भी गए हैं। वैसे आमिर पहले एक्टर नहीं है जो फिल्मों की प्रॉफिट का हिस्सा लेते हैं। इस कड़ी में अक्षय कुमार, शाहरुख खान और सलमान खान भी इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। हालांकि इन एक्टर्स ने 50% से ज्यादा की डिमांड नहीं की, लेकिन आमिर खान ने इन्हें पछाड़कर ये कामयाबी भी अपने नाम कर ली है। कहना गलत नहीं होगा कि न शाहरुख न सलमान इन दोनों पर ही भारी हैं आमिर खान। आपको बता दें कि ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर के साथ अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा शेख भी मुख्य किरदार में है। वेल, अब देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आमिर की ठग ऑफ हिंदुस्तान बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है।